अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग एयर डाइटिशन। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम बात करेंगे कि ख़वातीन में लिकोरिया क्यों होता है, इसकी मेजर वजूहात क्या होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये वैसे ही बहुत ज़्यादा आम हो गया। तो आए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। लिकोरिया जो है ये एक फंगल इन्फेक्शन है। बेसिकली ये ख़वातीन में तब होता है जब वो साफ़ सुथराई का ख्याल नहीं रखती, ख़ास तौर पर पीरियड्स के दौरान कपड़े वगैरह तब्दील नहीं करती, ज़्यादा दिन तक पहनती हैं और पैड्स का इस्तेमाल 3 से 4 घंटों से ज़्यादा करती हैं। इसकी वजह से जो आपकी वजाइनल हेल्थ है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो आए हम देखते हैं कि किन फूड्स का इस्तेमाल हम बाकायदगी से करें तो हम इससे बच सकते हैं। नंबर 1 टिप ये है कि आप फर्मेंटेड फूड्स वगैरह का इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पर चीज़ और दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दिन में 2 गिलास दूध लाजमी पिएँ। अगर आप चाहें तो इसके अंदर शक्कर वगैरह शामिल करके पी सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रोबायोटिक ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं जो आपको इस इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ने में मदद मुहैया करते हैं। नंबर 2, आप फ्रेश फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप वैरायटी ऑफ फ्रूट्स खाएं। अगर सुबह टाइम आप आड़ू खा रहे हैं तो शाम टाइम आलू बुखारा लाजमी खाएँ, क्योंकि एक ही फूड पर स्टक नहीं रहें। इसके साथ साथ आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल लाजमी करें, सैलड बनाकर खाएँ। ख़ास तौर पर आप शिमला मिर्च का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि इसके अंदर प्रोबायोटिक ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं जो आपको इस इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ने में मदद मुहैया करते हैं। इसके अलावा आप दही का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि दही के अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद होती है कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं हमारे वजाइना के अंदर, ये उसको किल कर देता है। इसके साथ साथ आप गायनाकोलॉजिस्ट से कंसल्ट लाजमी करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, 1 घंटे में 2 गिलास पानी लाजमी पिएं और कोशिश करें सुबह नहार में उठकर नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप दालचीनी का कहवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी मुकम्मल रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप वो देखें। इसके अलावा अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।